नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेडी टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे पबजी गेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पबजी गेम जिनके बारे में आप सुन सुन के थक चुके हो, आप भी खेलते हो, गेम सुना भी होगा, तो इसके बारे में भी एक वायरल न्यूज़ फैली हुई कि इसके अंदर जो लीगल नोटिस मिला है महाराष्ट्र हाईकोर्ट से, या फिर ये गेम सुना है कि बंद हो रहा है, ये गेम बैन हो रहा है इंडिया के अंदर। तो क्या है इस वीडियो की, क्या है इस वायरल न्यूज़ की सच्चाई, इसी के बारे में जानते आगे। इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ऐसे नए नए वीडियो जो आपका बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल गेम पबजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए 11 वर्षीय एक छात्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाई। जिन छात्र का नाम है अहद निजाम ने अपनी मां के जरिए दाखिल जनहित याचिका में कहा कि इस गेम पबजी गेम से हिंसा, आक्रमणता और साइबर दादागिरी को बढ़ावा मिलता है। पीएल में कहा गया है कि कोर्ट को महाराष्ट्र सरकार को इस खेल पर रोक लगाने का निर्देश देना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील तनवीर निजाम ने कहा कि याचिका में हिंसायुक्त ऑनलाइन सामग्री की जांच के लिए केंद्र सरकार को एक ऑनलाइन एथिक्स रिव्यू कमेटी बनाने के लिए निर्देश की भी मांग की है। इस पर चीफ जस्टिस NH पाटिल की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर सकती है। एक जो नोटिस मिला है, लीगल नोटिस भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाईकोर्ट है वहाँ से जारी हुआ है, लीगल नोटिस भी जारी हुआ। दरअसल पबजी या रणभूमि में अज्ञात योद्धाओं की जंग एक ऑनलाइन गेम है जहां दो या दो से अधिक ऑनलाइन खिलाड़ी इस खेल को खेल सकते हैं। संयोगवश कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए छात्रों से संवाद कार्यक्रम में पबजी खेल के जुनून का जिक्र किया था। पिछले दो सालों पर गौर करें तो भारत में कई सारे मोबाइल गेम्स लोकप्रिय हुए। कुछ गेम्स तो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए जिनसे तंग आकर सरकार को बैन लगाना पड़ा। पिछले साल ब्लू व्हेल गेम पर भी बैन लगा था। गुजरात राज्य में पूरी तरह बैन लगा लिया है और राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी बहुत सारे पबजी यूजर है, एक्टिव यूजर है, तो उन पर भी बैन लगाने का प्रयास जारी है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि पबजी पर इंडिया में बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है। अगर नहीं लगना चाहिए तो क्यों, और लगना चाहिए तो क्यों, इसमें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे हम जानेंगे आपके कमेंट, जानेंगे इसी वीडियो में। देखते रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही बस। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ऐसे नए नए वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद।